तिरंगे के तीनों रंग, बीच में अशोक चक्र, ये है गणतंत्र दिवस। इस गणतंत्र दिवस में यमुनानगर में माननीय श्री नायब सिंह श्रम एवं रोजगार मंत्री ने आकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और तिरंगे को लहराकर तिरंगे का मान सम्मान किया, सलामी दी। और उसके उपरांत उन्होंने अनेक वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जाकर परेड का निरीक्षण किया। उन्होंने हर किसी को वर्दी के महत्व के भावों को स्वीकार किया, बल्कि टुकड़ियों ने स्त्री और पुरुष के मतभेद को समाप्त करके कदम से कदम मिलाकर चलना सिखाया। नेशनल कैडेट कोर ने भी अपनी आप की छवि को प्रस्तुत किया और बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करके सबके मन को मोह लिया। प्यारी छोटी छोटी बेटियों ने अपने आप को मजबूत पत्थर सा बना मौसम को भी नतमस्तक कर दिया। उनके द्वारा किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रमों से हर किसी का मन गदगद हो उठा। हर किसी ने कहा, यही हमारे भारत की आन है, यही शान है। और हर किसी ने पुकार की कि आइए, आवाहन है आपको इस गणतंत्र दिवस में अपने आप को एकता के बंधन में बांधिए। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की सखियों ने अपनी लीलाओं से भगवान श्री कृष्ण के मन को मोहा, उसी प्रकार से गोपियों के संग सुंदर सुंदर कन्याओं ने भाव विभोर पूर्ण दृश्य प्रस्तुत किया, हर किसी के मन को मोह लिया। डांडिया बजते ही मानो ऐसा लगता था कि चारों तरफ अनेकों रंग बरस रहे हों। और भारत माता ने भी बच्चों की इस प्रतिभा को आशीर्वाद के रूप में प्रस्तुत किया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। बच्चों ने जहां एकता को दर्शाया और सभी को ज्ञान का पाठ पढ़ाया, उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम देकर हर किसी के मन को मोह लिया। और यहां तक कि नारियों ने एक ऐसा नृत्य प्रस्तुत किया जो अपने आप में अनूठा था। लड़कियों ने यह प्रस्तुत कर दिया कि हम खुशी से इस गणतंत्र दिवस के पर्व को मनाएंगे और स्वच्छ भारत का जो बीड़ा है हम सब कंधों पर उठाएंगे, और यहाँ की जो सेना है वो दुष्टों को, दुश्मनों को मार गिराएगी और हर किसी को अपने साथ चलाएगी। पंजाब का वीर रस, यानी कि वीरता का रस, भंगड़ा प्रस्तुत करते हुए कलाकारों ने हर किसी के मन को मोह लिया। जब भी उन्होंने नृत्य किया तो चारों ओर खुशी का एक अनूठा संगम था। और हरियाणवी नृत्य लड़कियों ने जो अपने आप में अनूठी थी, वह हर्ष करके यही कह रही थी, जय जय वीर हरियाणा जहां दूध दही का खाना। और इसी गणतंत्र दिवस में कुआं पूजन का भी एक दृश्य प्रस्तुत किया जिसमें थाली बजाकर कुआं पूजन में लड़कियों के विशेष महत्व को बताया गया और बताया गया कि लड़कियां किसी कार्य में भी पीछे नहीं, उन्होंने खेल जगत में भी अपना एक अनूठा नाम कमाया है और हर दाव पेच से बीमारियों को और बुरी कुरीतियों को मिटाने के बारे में सोचा है। और यहीं पर देश के प्रति, अपने शरीर के प्रति स्वस्थ रहने के लिए भी सबको आमंत्रित किया। आयुष विभाग ने भी बताया कि किस तरीके से पंच कर्म के द्वारा हम अपने आप के शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और अपने आप को निरोग बना सकते हैं। और हर जो पंच कर्म है वह मनुष्य को रोगों से मुक्त करता है। योग ही सच्चा। जिला रेड क्रॉस ने भी झांकी प्रस्तुत करके हर किसी के मन को मोह लिया और बताया कि हम हर समय आपके साथ हैं। वन विभाग ने भी अपने आप की एक ऐसी अनूठी छवि प्रस्तुत की जो मन को मोह लेने वाली थी। पेड़ भी कल कल करके कह रहे थे कि आओ हमें समझो। हर रूप से मछली ने भी
अपने आप को प्रस्तुत किया। मछली पालन की जो झांकी थी वह मनमोहक रही, क्योंकि उसमें बताया गया कि मछलियां भी परिवार की, समाज की, देश की एकता चाहती हैं। और यमुनानगर सामान्य बस स्टैंड ने भी ऐसी झांकी प्रस्तुत की कि सबकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि जिसमें हम सफर करते हैं वह सफर हमें यही सिखाता है कि भाईचारा हमको निभाना है और हमें बहुत दूर तक जाना है। कृषि विभाग ने भी खेती के महत्व को बताया, किसानों के महत्व को बताया कि किसान किस तरीके से अनेक यंत्रों द्वारा पैदावार करते हैं, क्या कुछ अनूठा बदला है कृषि में। और कृषि हमारे हरियाणा का एक सच्चा स्वर्णिम स्वरूप है, जिसे हर किसी को समझना होगा, जानना होगा और पहचानना होगा किसान के महत्व को, खेती के महत्व को और भूमि की उर्वरा शक्ति को। हर तरीके से अब बदल रहा है सब रूप। यहां तक कि अगर हम देखें तो शिक्षा के स्तर में भी, बच्चों के रोजगार के स्तर में भी बहुत बदलाव आया है। उसकी भी एक अनूठी झांकी प्रस्तुत की गई। यहां के किसानों की जो अनेक सुविधाएं उन्हें प्राप्त हो रही हैं, जिस तरीके से समय बदल रहा है और उर्वरा शक्ति बदल रही है, खाद के माध्यम से यूं कहें तो उद्योग में भी अब बहुत बदलाव आया है। अनेकों सुंदर झांकियां प्रस्तुत की गई। दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट जो बिजली की क्षमता को तो दर्शाता ही है, और उसने भी झांकी प्रस्तुत करके अपने आप के गौरव को सब तक पहुंचाया और बताया कि बिजली अब हर घर जाएगी और रोशनी सब जगह फैलेगी। आए हुए अतिथि गणमान्य व्यक्तियों ने इस पूरे कार्यक्रम का आनंद लिया और नायाब सिंह जी द्वारा दिए गए संदेश को जाना कि हम सबको एकता के सूत्र में बंधना है। ये गणतंत्र दिवस हम सबका है।